आप देख रहे हैं अमेज नाउ। मुंबई के बांद्रा में लापरवाही से कार चलाने के मामले में भीड़ के एक हिस्से के गुस्से का सामना फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन और उनके ड्राइवर को सीधे तौर पर करना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को देखा जा सकता है, जिसमें स्थानीय लोगों का एक ग्रुप फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन और उनके ड्राइवर पर, एक बुजुर्ग महिला और उनके साथ तीन महिलाओं पर हमला करने का बेवजह आरोप लगाया गया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिलाओं ने रवीना टंडन पर ही हमला किया। सोशल मीडिया पर शेयर हुए वीडियो में बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन पर भीड़ के एक हिस्से ने उन्हें मारने की कोशिश की और इस दौरान रवीना टंडन ने अपील किया कि कृपया मुझे मत मारो और खुद बचने का भी कोशिश किया। इसी बीच एक मनबड़े सिरफिरे युवक द्वारा रवीना टंडन को धक्का देते हुए भी देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नहीं, यह घटना मुंबई के कार्टर रोड पर रिजवी कॉलेज के पास हुई है। आरोप है कि शराब के नशे में रवीना टंडन ने कार से उतरकर कुछ महिलाओं से उलझा और फिर उन पर हमला किया। खार थाने पर पहुंची रवीना टंडन के पति और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थड़ानी को जब इस बात की जानकारी हुई तो वह भी पुलिस स्टेशन पहुंचे। वीडियो में स्थानीय लोगों को रवीना को घेरते हुए देखा गया है। भीड़ का एक हिस्सा कह रहा है कि पुलिस को बुलाओ, कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस को हम बुलाएंगे। एक पीड़िता ने रवीना से कहा कि तुम्हें रात भर जेल में गुजारनी पड़ेगी, मेरे नाक से खून निकल रहा है। ऐसी आवाज़ें भी सुनाई पड़ रही हैं उस वीडियो में। पूरी घटना कैमरे में कैद है। हालांकि रवीना टंडन द्वारा इस घटना को कैमरे में कैद न करने की भी अपील की गई थी। थोड़ी देर बाद मोहम्मद नाम के एक युवक ने पीड़ित तीनों महिलाओं को अपनी माँ, बहन और भांजी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन रवीना टंडन ने अभी तक इस मसले पर अपना कोई बयान नहीं दिया है।
मेरा नाम मोहम्मद है, मैं बांद्रा में रहता हूँ। मेरी माँ बहन आंजी सब लोग गए थे रिश्ते के लिए, गए थे कहीं पे, वहाँ से आ रहे थे, रवीना टंडन के घर के पास से आ रहे थे। तो उसके ड्राइवर ने मेरी माँ के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। उसके बाद जब उसको कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो उसने बाहर निकल के मेरी भांजी को असॉल्ट किया, बहुत मारा, मेरी माँ को मारा। उसके बाद रवीना टंडन बाहर निकल के दारू के नशे में आके मेरी माँ को मारी है। मेरे माँ का पूरा सर फट गया, मेरी भांजी का सर फट गया, और हम यहाँ 4 घंटे से खार पुलिस स्टेशन में खड़े हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारा कोई केस नहीं कोई ले रहा है, समझे ना। उल्टा बोल रहे हैं कि जो है ना हम आके मांडवली कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। हम मांडवली कैसे करेंगे, हमारी माँ के साथ हुआ है, हमको इंसाफ चाहिए। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज।